हमें जो सच लगता है ये जरूरी नहीं कि वो सबको लगे। सबका सच अलग अलग होता है मिस सिटी। आपको तो मालूम होगा द जस्टिस इज ब्लाइंड, कानून अंधा होता है। वो सिर्फ उस सच को मानता है जिसे साबित किया जा सके, जिस पे भरोसा किया जा सके। और भरोसा जो है मिस सिटी वो छोटी छोटी बातों से बनता है। अपनी आंखों से तुमने छोटी सी छोटी बात जो देखी वो मुझे देखा। जैसे संजय धृतराष्ट्र को देखा था। कौन? संजय धृतराष्ट्र। महाभारत तो पढ़ी होगी तुमने। बचपन में पढ़ी थी, बेसिक स्टोरी लाइन पता। बेसिक स्टोरी लाइन, दैट्स अ गुड वन। नो बट नाउ लिसन, कानून की तरह धृतराष्ट्र भी अंधे थे और संजय उनकी आंखें थे। संजय ने उन्हें जो भी कहा वही उनके लिए सच बन गया। अब तुम्हारे सामने मैं धृतराष्ट्र हूं, जो भी तुम मुझे बताओगे वही मेरे लिए सच होगा। तुम छे खोजती रही ना, हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने था। मर्डर कमरे के अंदर हुआ लेकिन सबूत कमरे के बाहर था। मैं समझता था कि रानी कौर के साथ मेरा चौसर का गेम चल रहा है, पर तुम नैना सेठी, तुमने तो दुर्योधन से भी गहरी चाल चली है। यू नो दैट्स द सेम, वो मूर्ख होता है जो सिर्फ सच को ही जानता है पर सच और झूठ के फर्क को नहीं जानता। डोंट टेल मी कि ये भी महाभारत से है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, ये देखा, सच बोलना भी इतना मुश्किल नहीं था। So, मुझ पे भरोसा करने के लिए थैंक यू। इट विल बी एन ऑनर टू रिप्रेजेंट यू। थैंक यू। सो आई होप अब मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा और जज हमारे बदले ही कहानी मान लेगा। रिवेंज इज अ स्ट्रॉन्ग मोटिव। आपकी महाभारत भी तो एक बदले की कहानी है पांडवों की। मैं आपका केस नहीं हारूंगा, लेकिन मुझे कॉफी चाहिए होगी क्योंकि मुझे रात भर काम करना है। मिस्टर गुप्ता। या थैंक यू। द्रौपदी पांडवों के नहीं, महाभारत द्रौपदी के बदले की कहानी है। द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा था बदला लेना हर बार सही नहीं होता, लेकिन माफ कर देना भी हर बार सही नहीं होता।